हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आपका फिल्मी फाइल में स्वागत है। तो दोस्तों, आलिया भट्ट की मच अवेटेड मूवी डार्लिंग्स जिसका ट्रेलर आ गया है। दोस्तों, इस मूवी का पहले टीजर आया था जिसको फैंस का भरपूर रेस्पॉन्स मिला था और बहुत अच्छा प्यार मिला था। दोस्तों अब इस मूवी का ट्रेलर आ गया है और देखते हैं कैसा है इस मूवी का ट्रेलर और आप लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, दिल की धड़कनें थाम लीजिए क्योंकि शुरू होने जा रहा है आलिया भट्ट की मच अवेटेड मूवी डार्लिंग्स का ट्रेलर, जो कि नेटफ्लिक्स पर आएगी बहुत जल्द। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 4, 3, 2। हो जा, नेट स्लो चल रहा है। ओके, एक बार और। आज दोस्तों नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, एक बार और स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 4, 3, 2, 1। नेटफ्लिक्स प्रेजेंट्स विजय वर्मा, हम एक्चुअली एंटरटेनमेंट। मैं आपकी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ। एक्चुअली प्रेजेंट, वाओ, यू मेड यू, आई लव यू, प्लीज। मन काका, हमजा नहीं आए? हमजा साहब, मिसिंग कंप्लेंट फाइल करनी है। कौन मिसिंग है? मेरे हस्बैंड हमजा। कभी से गायब हो? परसों। कल से या परसों से? कल और परसों के बीच में से। ना, दो दिन पहले काम पे गया। कभी कभार ठीक है सर, लेकिन ये रोज तो मत करवाओ, टीसी है। अच्छा। लेकिन वापस ही नहीं आया। काम पर गया, टॉयलेट साफ करा रहे, वापस नहीं आया। क्या बोलते दादू? केस क्लोज है सर, कंफर्म। ये कॉमेडी थोड़ी डार्क है। मैं समझाती हूँ, मेरी बात तो करो। अगर ये सब ए बच्ची, हाथ खोल साली, तो जान से जाएगी। किधर जा रहे ली? अरे आगे कुआं पीछे। अच्छा, कट डैम कर लिया यार। किस्मत ने वाट लगाई। दारू छुड़वाने की दवा बोली थी ना, चूहे मारने की दवा खाने में डाल दे, जिंदगी भर दारू नहीं पिएगा। ओफो, मेरे को हमजा को मारने का नहीं है अम्मी, इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ किए। ओ शिट, फील्डिंग बहुत हो गई अम्मी, अब बैटिंग चालू। ओफो, औरतों का अपमान। अगस्त, अगर तूने हमजा को किडनैप किया है ना, तो सांप को सच बता दे। बाप रे, खाला मैंने क्या? आप दोनों जसमीत केरीन, गौरी खान, आलिया भट्ट, गौरव वर्मा। चलो भैया, आलिया भट्ट प्रोड्यूसर बन गई नेटफ्लिक्स, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, इसके अंदर विजय वर्मा आलिया के हस्बैंड का रोल प्ले करते हैं, जो कि टीटी होते हैं और उनको टॉयलेट साफ करवाया जाता है। हालांकि वो रेलवे में होने के बाद उनसे टॉयलेट साफ कराया जाता है। बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर जो स्टोरी लाइन है, एक डार्क कॉमेडी पे बेस मूवी होने वाली है, जिसमें कि विजय वर्मा यानी कि हमजा, जो उनके आलिया भट्ट के पति होते हैं, वो उनको काफी प्रताड़ित करते हैं, जिसका बदला आलिया भट्ट अपने अलग अलग अंदाज से लेती हैं, जो कि आपने देखा ही था। कभी चूहे मार दवाई वो खिला रहे हैं, कभी वो बेलनों से पेल रहे हैं, कभी पेन से मार रही हैं, और कभी वो शराब का क्वार्टर भी उसके मुंह में दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये मूवी काफी कॉमेडी भी होने वाली है और आलिया भट्ट का दर्द भी दिखाया गया था। बाकी दोस्तों, इस ट्रेलर की शुरुआत होती है कि हमजा से, उनके पति से शुरुआत होती है, और सडनली आलिया भट्ट का एक सेक्सी लुक दिखाई देता है, जिसके बाद वो डोर पर खड़े होकर अपने हस्बैंड का इंतजार करती हैं और एक सेक्सी स्टाइल में गेट ओपन करते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि वो चचा हैं उनके। उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और आलिया भट्ट इस पुलिस स्टेशन में दिखाई देती हैं कि उनके हस्बैंड को अगवा कर लिया गया है, यानी किडनैप कर लिया गया है, लेकिन किडनैप उन्होंने ही किया होता है और वो उसको सजा दे रही होती हैं, जो कि उनके पति ने उनके साथ की है। दोस्तों, ये गलत है वैसे औरतों को अपमानित करना और इस तरीके से प्रताड़ित करना, जिसका वो दंड भुगतता भी है बंदा, तो इसके अंदर दिखाया गया है। दोस्तों, फिल्म का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन पर बनाई गई है और इस तरीके से रिफ्रेशिंग कंटेंट की हम लोगों को जरूरत है। दोस्तों, ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है और इस तरीके की मूवी को, अच्छे कंटेंट को,
थिएटर में भी रिलीज होना चाहिए था। बाकी दोस्तों आलिया भट्ट इस मूवी के अंदर अपना बदला लेते हुए नजर आएंगे, जो कि उनके पति ने उनके साथ किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही करती हैं। पहले वो नॉर्मल ही ट्रीटमेंट करते हुए आती हैं, बाद में वो एक्शन मोड में आ जाते हैं कि उनको मारना पीटना इस तरीके से वो दिखाती हैं। तो आलिया भट्ट के ऊपर जो ज्यादती की गई है उसकी सजा वो उनको देती हैं अपने हस्बैंड को। बाकी दोस्तों इस मूवी के अंदर एक कॉमेडी एलिमेंट है, वो तो हमेशा इसमें बरकरार रहेगा। मूवी थोड़ी सीरियस भी होगी और कॉमेडी भी आएगी, क्योंकि ये डार्क कॉमेडी है, तो दोस्तों मज़ा तो आएगा इसको देख करके, और जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। बाकी दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आपको कैसा लगा डार्लिंग का ये ट्रेलर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।